हाय एवरीवन, हर खाने को बनाए मजेदार, चटपटी भरवा मिर्च मसालेदार। नाम सुनते ही आपको पता तो चल गया होगा आज की हमारी रेसिपी है चटपटी सी भरवा मिर्च, जो हर खाने के साथ एकदम बहुत ही मज़ा देती है। तो फटाफट देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है, पसंद तो ज़रूर आएगी, तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चटपटी भरवा मिर्च बनाने के लिए ये हमने थोड़ी जो मोटी मिर्ची होती है वो 15 से 17 ले ली है, अच्छे से धो लिया है, डंडी निकाल दी है और बीच में ऐसे स्लिट कर लिया है। एक ऐसे स्लिट लगा लीजिए जिससे हम इसको भर सकें। तो अच्छे से आप सारी मिर्चों में स्लिट लगा के रख लीजिए। मिर्चें बिल्कुल धुली साफ होनी चाहिए। और साथ में हमने लिए हैं मसाले। मसालों में हम देखेंगे क्या क्या लिया है हमने। 3 टीस्पून कुटी हुई सौंफ, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा कुटा सा धनिया है ये, और 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, ये दोनों खट्टेपन के लिए है। साथ में हमने लिया है 1 टीस्पून देगी मिर्च कलर के लिए, और 1/2 टीस्पून हींग जो बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव होता है इसमें, और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है हमने, सरसों का तेल। अब सारे मसालों को हम मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इतना मसाला बिल्कुल 15 से 17 मिर्चों के लिए काफ़ी होता है, बिल्कुल परफेक्ट इतना मसाला होता है। तो अब आप इसमें डाल लीजिए 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इतने ऑयल में ये सारा मसाला आप देखेंगे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ना ज़्यादा गीला होगा ना ज़्यादा सूखा, बिल्कुल परफेक्ट सा मसाला बन जाएगा हमारा, एकदम मसालेदार भरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा मसाला एकदम तैयार हो गया है। अब ये जो हमने स्लिट करी हुई मिर्चें ली हैं इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा मसाला दोनों एंड से, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा भर देंगे। बहुत ओवर भी नहीं करना है मसाले को और बहुत कम भी नहीं भरना है, तो ठीक ठीक मसाला आप करके इस तरह से प्रेस कर दीजिए और इसको भर कर रख दीजिए। एक बार मैं और दिखा दूँ, स्लिट को आप खोलेंगे, मसाला को एक सिरे से दूसरे सिरे तक थोड़ा थोड़ा लेके भर देंगे प्रेस करते हुए, और उसके बाद इसको प्रेस करके एक्स्ट्रा मसाला निकाल देंगे और सारी मिर्चों को हम इसी तरह भर के तैयार कर लेंगे। तो सब मिर्चें तैयार हो गई हैं, भर ली हैं, अब हम इनको बनाएंगे। कढ़ाई में हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, अच्छे से गर्म करके गैस सिम कर दी है। फिर 1 टीस्पून जीरा डाला हमने। जीरा डालने के बाद आप आराम से मिर्ची डाल दीजिए, मिर्ची कई बार चटकने भी लगती है तो धीमे धीमे आप इसको करिए, धीमी आंच पर करके इसको डालिएगा। तो सारी मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं, मसाला भी एकदम पूरा पड़ गया है हमारा। तो मिर्ची डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला देंगे जिससे जो ऑयल है वो सब मिर्चों पर अच्छे से लग जाए। तो 1/2 मिनट आप इसको इस तरह से चला लीजिए। सिम पे ही है अभी हमारी गैस, हमने तेज़ नहीं करी है और हमें तेज़ करनी भी नहीं है उसको, सिम से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको बनाना है। अब मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून पानी। तो आप 3 टेबलस्पून पहले डाल लीजिए, थोड़ा सा बाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको ढक के 3-4 मिनट होने दीजिए। 3-4 मिनट बाद हम इसको एक बार और चलाएंगे। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, मिर्चें हल्की हल्की गल रही हैं, अभी हमें इसको और पकाना है। पानी अगर कम हो जाए इस समय पे तो 1 टेबलस्पून और डाल सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ढक कर हमें इसको 4 से 5 मिनट अभी और पकाएंगे। तो आप इसको ढक दीजिए चलाने के बाद और अच्छे से इसको गलने दीजिए, मसाला भुनने दीजिए। 4 से 5 मिनट या 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है। जब इस तरह की आपकी मिर्ची हो जाए एकदम गली सी और देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, मसाला भी एकदम भुना भुना हो गया है, आप हल्का सा दबा के देख लीजिए और मसाला भी आप देख सकते हैं कितना भुन गया है। तो मसालेदार भरवा मिर्ची एकदम हमारी तैयार है। गैस को बंद कर दीजिए, आप देखिए क्या बढ़िया लाल सा मसाला हो गया है। हर खाने के साथ इस भरवा मिर्ची का मज़ा आता है, चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, पूरी सब्जी के साथ, जिसके भी साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया सी मसालेदार भरवा मिर्ची।